स्वागत है आपका विवेकानंद अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे पूछ रहे थे कि रीट के अंतर्गत क्या फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जो एसटीसी बीएड के कर रहे हैं, क्या वो लोग भी भेज सकते हैं, क्या सेकेंड ईयर के विद्यार्थी रीट दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। साथियों, रीट 2022 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस नाम से भी जाना जाता हूँ मैं, उत्तीर्ण या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। यानी साथियों, आप लोगों ने एडमिशन ले लिया, आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम अगर नहीं हुए हैं और लेकिन इसके आवेदन जब तक भरे जाएंगे तब तक अगर आप लोगों सेकेंड ईयर में हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो है वो आवेदन नहीं करें, क्योंकि इस बार साथियों बहुत अच्छे से इनको आगे ध्यान में रख करके किया जाएगा। और फर्स्ट ईयर में अगर हैं तो, क्योंकि आप लोगों का सेकेंड ईयर होना बाकी है और आगे जो थर्ड ग्रेड की परीक्षा होगी वहाँ तक आप लोग का नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग जो हैं आगे की तैयारी करें फर्स्ट ईयर वाले के लिए। सेकेंड ईयर वाले ज़रूर इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो फर्स्ट ईयर वालों का इसमें आवेदन नहीं हो सकता है, सेकेंड ईयर वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं साथियों। लेकिन सेकेंड ईयर वालों के लिए भी आप लोग ऐसा है कि जैसे जो थर्ड ग्रेड परीक्षा होगी उसके जब आवेदन लिए जाएंगे तो उस समय तक आपका जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए साथियों, बाद में विवाद की स्थिति ना हो, इसलिए विज्ञप्ति में इन्होंने साफ ही लिख दिया कि यह इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। बाकी ये अलग अलग और डिप्लोमाज का है, न्यूनतम 45% अंकों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा वो वाला है, अथवा ये चीज़ें आप लोग इसमें देख सकते हैं कि कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए साथियों, जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो। और कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत भी स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय उत्तीर्ण इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो, इसको भी जाना जाएगा न्यूनतम 50% अंकों के साथ। ये आप लोग देख सकते हैं, इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के इसका सारांश ये निकल रहा है कि आप लोगों को अंतिम वर्ष के अंतर्गत होना ही इसमें चाहिए, ठीक है। आप लोग इसमें पूरा ये आप लोग देख सकते हैं, PDF है ये रीट 2022 का नोटिफिकेशन की। तो साथियों, आप लोगों को वीडियो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। साथ ही मैंने जो अपलोड इसके पहले एक अपलोडेड वीडियो डाला है वो तैयारी के लिए गणित शिक्षण वीडियो के लिए, और ऑथेंटिक किताब की 10 परिभाषाएं मैंने डाली थी, तो आप लोग वो जाकर के देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पूरा देखें, आगे आने वाले समय में आप लोगों की हर एक समस्या का समाधान यहाँ पर किया जाएगा और आप लोगों के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। तो साथियों, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में जो अभी अध्ययनरत हैं तो ध्यान रखें, और जिनके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी भी हम आवाज़ उठा रहे हैं कंटिन्यू। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को यहाँ पर मिलते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं है तो। और बहुत सारे विद्यार्थी, अगर कोई लोग आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें चैनल को, तो ज्वाइन भी यहाँ पर कर सकते हैं, केवल 29 रुपये का इस यहाँ पर हमने चार्ज रखा है साथियों, ताकि वो हम इंटरनेट वगैरह और इसके लिए ये जो है चार्ज इसलिए रखा है, बाकी कोई यहाँ पे चार्ज वगैरह अभी तक तो नहीं है। और आगे कोई अगर ऐसी कोई प्रीमियम सर्विस अगर मिलती है तो उसका रहेगा, बाकी ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी अच्छी प्रीमियम किताबों का मैं जो है विश्लेषण लेकर के आऊँगा और वीडियो क्लासेस डालूँगा, तो आप लोगों को रीट के अंतर्गत जो है ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, केवल पात्रता परीक्षा है ये, और न्यूनतम पासिंग मार्क भी अगर आ गए तो आप लोगों का काम हो जाएगा। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।